सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति को कर सकें। और वचन बताता है कि क्या ही मनोहर बात है कि मसीह लोग आपस में मिले रहे। हम लोग आपस में एक साथ तो नहीं मिल पा रहे, पर परमेश्वर ने हमको एक जरिया दिया है एक दूसरे से मिलने का। और आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 56 उसका 3 और 4। इसमें लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमेन। यहाँ पे लिखा है जिस समय मुझे डर लगेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है अगर मुझे डर लगेगा, जिस समय भी मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। और प्रियो ये समय ऐसा है कि हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और आइए हम गीत गाके परमेश्वर के नाम की स्तुति को करें और कहें, परमेश्वर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ ताकि मैं किसी चीज से कभी ना डरूं। Thank you.
आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं एक नए मन और चिंतन के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे साथ में निकाल लेंगे यर्मिया नबी की किताब पुराने नियम से उसका 29 अध्याय उसका 11 पद, यर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11। आइए मिलकर हम लोग ऊंची आवाज में इसे पढ़ें। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उनको मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी में, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दें। यह लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। जब आप बाइबल के इस खूबसूरत पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे यहोवा के उस हृदय को देखने पाते जो आपके और मेरे लिए वो रखता है। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है। क्या वाणी है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उनको मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। इसका अर्थ है प्रियो, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब आप और मैं इस समय में संकट के दौर में से गुजर रहे हैं, आप और मैं हम लोग जो है इस समय दुनिया को एक भीषण महामारी के चपेट में पाते हैं, हम लोग को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि हम लोग किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या ये बीमारी खत्म होगी, क्या ये महामारी समाप्त होगी, कब तक हम लोग लॉकडाउन में रहेंगे, कब हम लोग फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, क्या दुनिया कभी फिर पहले जैसे आकार में आ पाएगी, पहले जैसा रफ्तार पकड़ पाएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसा सा जो है एक भय आपके भीतर में इस समय में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो भय है आर्थिक चुनौतियों का। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी खो बैठें, हो सकता है कि आपका बिजनेस पहले जैसा ना चले, हो सकता है कि आपको भीषण जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े। कई बातें आपके मन में इस समय में आ रही होगी कि पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा कल क्या होगा। और जब मैं अपने पास्टर से कहता हूं कि आप देने के बारे में प्रमोट कीजिए, और कई बार आप संडे के सर्विस में पाते होंगे, आइए हम लोग प्रभु को भेंट चढ़ाएं, और उसमें आप पेटीएम का नंबर, गूगल पे का नंबर और बैंक डिटेल्स आप पाते हैं, और हम लोग आपको उत्साहित करते हैं, आइए भेंट चढ़ा करके आप परमेश्वर की आराधना करें। तो हो सकता है शायद कि आप में से बहुत से लोग प्रश्न पूछते होंगे कि इतने संकट के बीच में भी, इतने महामारी के बीच में भी ये पास्टर जी दान के बारे में बात कर रहे हैं। दीजिए, प्रभु को दीजिए, दशमांश दीजिए, भेंट चढ़ाइए, दुनिया कितनी परेशान है। लेट मी टेल यू, इस संदेश को दो तरह के लोग इस समय में सुन रहे हैं। नंबर एक, वो लोग हैं जो प्रभु को कभी कुछ देते नहीं हैं, और हो सकता है जैसे ही वे पेटीएम का नंबर, गूगल पे का नंबर, अकाउंट डिटेल स्क्रीन में देखते होंगे, उनके अंदर में खुन्नस बढ़ जाते होंगे, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे कि क्या बात है, हर समय बस मांगते हैं, हर समय पैसा 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 दो, पैसा दो, पैसा दो। आपको लगेगा अगर आप नहीं देते हैं तो आपको लगेगा किसी क्या जरूरत है, अब तो चर्च भी बंद हो चुका है, हम तो इकट्ठे भी नहीं हो रहे, हम तो घर में आराधना कर रहे हैं, क्या जरूरत है प्रभु को देने की। तो जो लोग नहीं देते हैं उनके लिए भेंट चढ़ाना एक फ्रस्ट्रेशन की बात है, और हो सकता है जब भी देने के बारे में वो सुने तो उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा, उनका गिल्ट और बढ़ जाएगा, उनके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाएगा, पूरी संभावना है। पर दूसरी तरफ एक और ऑडियंस है जो प्रभु से प्रेम करती है, और जैसे ही कहती है आइए अपने भेंट को चढ़ाएं, तुरंत वो जो है इमीडिएटली अपने मोबाइल फोन निकाल कर पेटीएम से, गूगल पे से अपने पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब बहुत सारे प्रभु के जो लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते प्रियो, वे अपने टाइट्स जैसा वे हर महीने के शुरुआत में करते हैं वैसे ही वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं उनको कोई महामारी नहीं रोक सकती है देने से, उनको कोई तूफान नहीं रोक सकता है देने से, उनको किसी तरह का डिजास्टर कभी भी रोक नहीं सकता है।
सेम टाइम में परमेश्वर भी उनको अपने दाहिने हाथों से थामे और संभाले रखता है। तो जैसी देने की बात आती है तो वो जो है उनके कानों में एक गीत के समान प्रभु के सुनाई देता है, आइए प्रभु को भेंट चढ़ाए। वो तुरंत इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे इसको मधुर मानते हैं, बेहतर मानते हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मैं ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं देने के बारे में कि आप जब आराधना करते हैं और खाली गीत गाकर वचन सुनकर आराधना कर रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट आराधना यदि आप करना चाहते हैं, ये कंप्लीट होगा जब आप प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे, बिकॉज वर्शिप इज गिविंग, गिविंग द लिप्स ऑफ योर प्रेस, गिविंग योर टाइम, गिविंग योर टैलेंट, गिविंग योर एनर्जी एंड गिविंग योर रिसोर्सेस। आराधना भेंट चढ़ाना है, ओंटों का फल, हमारे जितने भी दान वरदान हैं, हमारा समय है, हमारा रुपया पैसा है, हमारे संसाधन जो प्रभु को हम भेंट चढ़ाते हैं। तो यदि आप प्रभु को अपनी धन में से भेंट नहीं चढ़ा रहे हैं तो आपकी जो आराधना है इनकम्प्लीट है, अधूरी है। अरे बाइबल कहती है प्रियो, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। और इस समय में जब संकट के समय में आप हैं, प्रभु जानते हैं इस बात को, प्रभु जानते हैं। जो नहीं देने वाले उनके लिए हो सकता है शायद कि ये बहाना हो कि कोरोना वायरस आ गया पास्टर जी, बड़ा तकलीफ हो गया है, हम तो देना मांगते पर चर्च बंद हो चुका है तो हम क्यों दें, हो सकता है आपके लिए हो सकता है। पर परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है प्रियो, उसने कोई बहानेबाजी नहीं की हमें आशीष देने में। गॉड इज नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज इन ब्लेसिंग यू, रादर ही हैज अ इमेजिनेशन, ही हैज अ प्लान टू ब्लेस यू। परमेश्वर के पास में जो 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 हमारे लिए योजना है वो हमारी हानि की नहीं परंतु हमारे लाभ की है। उसका वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं है। गॉड सेज आई नो, मैं जानता हूं कि जो मैंने कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है वो हानि की नहीं है। कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा क्या हो गया ना, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है हमारे साथ में, इस बार जब बहुत प्रेशर आ गया है, इस बार तो थोड़ी सी ये हो गया है। आप बहानेबाजी कर सकते, परमेश्वर कभी बहानेबाजी नहीं करता प्रियो। वो कहता है जो कल्पना है मैं करता हूं तुम्हारे लिए उसको मैं जानता हूं और अच्छे से जानता हूं कि वो तुम्हारे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है। और वो कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपकी क्या आशा है? यही ना कि दुनिया जल्दी से सब कुछ सामान्य स्तर में लौटे, यही आशा है ना कि आप फिर से अपने जॉब्स में जा सके, आपकी यही आशा है ना कि आपका बिजनेस फिर से चल पड़े, आपकी यही आशा है ना कि आपके काम धंधे रफ्तार पकड़े, आपकी यही आशा है ना कि आप कर्जों में से उबरे, आपकी यही आशा है ना कि आप अपना मकान खरीदें, आपकी यही आशा है ना कि आप स्वस्थ रहें भले चंगे रहें, आपकी यही आशा है ना कि आपके बच्चे जिंदगी में बेहतर करें, आपकी यही आशा है ना कि उनको बहुत सुख चैन मिले, आपकी यही आशा है ना कि आपके बच्चों की शादियां अच्छे घरों में हों, आपकी यही आशा है ना कि आप जो हैं अपनी जिंदगी आराम सुख और चैन से काटें। प्रभु का वचन कहता है मैंने कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है वो हानि की नहीं परंतु मैंने तुम्हारे लाभ की है और उन्हें मैं जानता हूं और अंत में तुम्हारी जितनी भी आशा है वो सब मैं पूरी करूंगा। प्रभु का वचन कहता है प्रियो हमारा परमेश्वर भला है। यिर्मयाह 29:11 आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब जीवन में आप निराश होने लग जाएं प्रियो तो आप बार बार इसको पढ़ें। क्यों पता है? क्योंकि ये जो किताब है, ये जो चैप्टर है, ये उस समय में लिखा गया था जब पूरा का पूरा यहूदा, पूरे के पूरे इजरायली वे बंधुआई में थे बाबुल की। अब बाबुल की बंधुआई में जब वो थे वहां पे वे गुलाम थे, वे अपनी जिंदगी जो थी बड़े ही कष्टों में गुजार रहे थे। जैसे आज हम लोग लॉकडाउन के कारण से बंधन में है, बंधुआई में है, हम लोग ऐसा लगता है हम लोग एग्जाइल में है, वी आर इन एग्जाइल राइट नाउ।
हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बंधन क्या होता है, आज पता चल रहा है हम लोगों को कि हम वो नहीं खा सकते जो हम खाना चाहते हैं, हम वहां नहीं जा सकते जहां हम जाना चाहते हैं, हम वो नहीं खरीद सकते जो हम खरीदना चाहते हैं आज, हम वो सब चीज नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं आज, हमारा दायरा सीमित हो चुका है आज। ये एग्जाइल है, ये बंधुआई है जिसमें आज हम लोग हैं। अजब, ये यरिमया अब इस किताब को लिख रहा है तो ये जो किताब है संकटों के मध्य में लिखी जा रही है, बंधुआई में लिखी जा रही है, जहां पे उनका अपना देश नहीं है, अपना वतन नहीं है, वे गुलाम हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है एक पराये देश में पड़े हुए हैं, जहां पे वो नहीं खा सकते जो उन्हें खाना चाहते हैं, वे वो नहीं पहन सकते जो पहनना चाहते हैं, वो वहां नहीं घूम सकते जो वो घूमना चाहते हैं। वो बंधुआई में थे, वो बंधुआई में थे। और आज आपकी और मेरी दशा कुछ उन्हीं इसराइलियों के जैसी है, उन यहूदियों के समान है जो बंधुआई में थे, वो बाबुल की बंधुवाई में थे। आज हम लोग कोरोना वायरस के कारण से जो है अब जो है लॉकडाउन में है, बंधुआई में है, अपने घरों में हम कैद हो गए हैं। पर आपको जानना जरूरी है प्रियो कि आप के लिए परमेश्वर ने जो कल्पनाएं की है वो आपके हानि की नहीं परंतु आपके लाभ की है। ब्यूटीफुल डेज आर कमिंग, और आपने अगर इन कष्टों और बंधुआई के बीच में, लॉकडाउन के मध्य में भी, दर्द के बीच में भी आपने यदि परमेश्वर को मोहब्बत करना जारी रखा है, उसका रिवार्ड आपको प्रभु जरूर देगा। आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए कि प्रभु तू कहाँ चले गया है, कहाँ छिप गया है, अरे स्वर्ग यही है, नरक यही है, अरे सब कष्ट यहीं पे होते हैं, जो होने वो यही होने हैं, पता नहीं क्या परमेश्वर चाहता है। आप इस तरह की व्यर्थ बातें मत कीजिए प्रभु प्रियो, प्रभु को आप महिमा दीजिए, ब्लेस द लॉर्ड, प्रभु को महिमा दीजिए, आप धन्यवाद दीजिए, गाते हुए उसकी उपस्थिति में आइए। ये लॉकडाउन बहुत बेहतरीन समय है आपके और मेरे लिए कि हम अपने स्वयं के शरीर को और मन को आराम दे सकें। ये लॉकडाउन बहुत बेहतरीन है आपके मेरे लिए कि हम परिवार के रिश्तों को समझ सकें, पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत कर सकें, बच्चों के साथ रिश्तों को मजबूत कर सकें। ये लॉकडाउन हमारे लाभ के लिए है कि हम जो अब तक नहीं कर पाए, हमारे जो टैलेंट थे, हमारे गुण थे, उनको उभार सकें। ये लॉकडाउन हमारे लाभ के लिए प्रियो कि हम लोग जो है अपनी जिंदगी के अहम पलों को परमेश्वर के साथ बिता सके। लव द लॉर्ड इन द मिड्स ऑफ दिस कैटास्ट्रोफी, लव द लॉर्ड इन द मिड्स ऑफ दिस डिजास्टर, लव द लॉर्ड। प्रभु को मोहब्बत करना जारी रखे प्रियो, और मैं जानता हूं, मैं बड़े ईमानदारी से आपसे कहना चाहूंगा, आने वाले दिन कठिन रहेंगे हमारे लिए, इतने आसान नहीं रहेंगे। लॉकडाउन के पहले जो आपने जिंदगी जिए हैं उसको आप याद करेंगे, आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसका बेस प्रिपरेशन यह है आप उसकी आराधना करके अपने विश्वास को, अपने हिम्मत को, अपने इरादों को फौलादी करें, मजबूत करें। गिव कंप्लीट ऑनर टू द लॉर्ड, गिव हिम कंप्लीट वर्शिप, उसकी आप संपूर्ण आराधना करें। आप घबराए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर को आप अपनी भेंटे चढ़ाते हैं, अपना दान दशमांश चढ़ाते हैं, इस संकट के मध्य में भी वो कहता है, मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारे लाभ के लिए मैंने की है, और उनको मैं जानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारी हर आशा को पूरी करूँगा। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for the welfare and not for evil, to give you a future and a hope, to give you a future and a hope. परमेश्वर हमें एक अच्छा भविष्य देने जा रहा है, एक अच्छी आशा प्रभु हमें देने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करने लग जाएं। आइए अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाएं इस समय में, जहां भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा करके उसके आराधना करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें, कहना शुरू करें, प्रभु मैं इस संकट के मध्य में भी मैं आपको प्यार करता हूँ, इस संकट के मध्य में मैं आपको सराहता हूँ खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने ओठों का फल मैं तुझे चढ़ाता हूँ, मैं अपने सारे टैलेंट आपको देता हूँ, मैं अपना कीमती समय आपको देता हूँ, मैं अपना धन आपको देता हूँ, मैं अपना दशमांश आपको देता हूँ प्रभु जी, मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ आपको देता हूँ खुदावंद, क्योंकि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया, आपका धन्यवाद हो खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो खुदावंद। आप महान राजा है, आप महान प्रभु हैं, आपके नाम की स्तुति हो। आइए प्रभु को कहना शुरू करें, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि जो कल्पनाएं आपने मेरे लिए की है वो मेरे हानि की नहीं, वो मेरे लाभ की है। इस महामारी के मध्य में इस बात की घोषणा मैं करता हूं प्रभु कि आपने जो मेरे लिए कल्पनाएं की हैं वो मेरे हानि के लिए नहीं, वो मेरे लाभ के लिए है। परमेश्वर पिता, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आप जानते हैं प्रभु जी कि मैं किस संकट में फंसा हुआ हूं, आप जानते हैं मेरे भविष्य को कि मैं किस दौर में से होकर गुजरूंगा, आप जानते हैं। पर मैं इस बात को भी जानता हूं कि आपके पास में मेरे लिए एक उत्तम भविष्य और एक उत्तम आशा है, आपके पास मेरे लिए उत्तम भविष्य एक उत्तम आशा है प्रभु, मैं जानता हूँ। आपका धन्यवाद हो प्रभु मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने के लिए, मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं दिल से आपका धन्यवाद करूँगा, ओंटों का फल मैं आपको चढ़ाऊँगा, मैं अपने सारे टैलेंट, अपने सारे दान और वरदान में आपको चढ़ाऊँगा, मैं अपने कीमती समय में आपको दूंगा, मैं अपने कमाई का हिस्सा अपने रुपयों पैसों में से प्रभु जी आपको भेंट में चढ़ाऊँगा, मैं हर समय आपकी स्तुति करूँगा क्योंकि आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है। और मैं जानता हूँ कि आपने जो भी योजना बनाई है मेरे लिए वो मेरे हानि की नहीं वरन मेरे लाभ की है। मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ खुदावंद, सब कुछ मैं अपना देता हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ, क्योंकि प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से आपसे करता हूँ, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे प्रियो, आइए प्रभु के साथ बेपनाह मोहब्बत करें, हर रविवार प्रभु की आराधना करें, हर बाइबल स्टडी को आप जरूर जाएं, आप ऑनलाइन जितने भी स्टडीज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, डेली डिवोशन में भाग लें, प्रभु का वचन रोज पढ़ें, रोज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पास में अद्भुत योजना आपके लिए है, जो उसने आपके लिए कल्पनाएं की वो आपके हानि के लिए नहीं वरन आपके लाभ के लिए है। आपके पास एक अच्छा उत्तम भविष्य और एक उत्तम आशा बाकी है। God bless you. Jai Masiki.